डियर फ्रेंड्स, राज एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम डे फाइव की तरफ जा रहे हैं और डे फाइव में हम सीखेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी में बड़ी आसानी से घंटों बात कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 मिनट का गेम आपको खेलना है और इस 2 मिनट के गेम को खेलने के बाद आप बहुत देर तक बड़ी आसानी से अंग्रेजी में खुद के साथ और दूसरों के साथ भी बात कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार वही बातें करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉरेन लैंग्वेज को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हो। द गेम्स आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। एक्चुअली हम एक एक समस्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारी शब्दों की समस्या थी, फिर शब्द सेंटेंस कैसे बनाए इसकी समस्या थी, अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टली एक समस्या पर कि इतने सालों तक हम अंग्रेजी सीखते हैं, पहली से लेकर 12वीं तक और फिर आगे भी, इसके बाद भी हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते या क्यों अच्छी तरीके से अंग्रेजी नहीं लिख पाते। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अंग्रेजी को लेकर टंग टाइड हो गए हैं। टंग टाइड होना बोले तो हमने हमारी जबान को बांध दिया है, या फिर किसी डर ने हमारी जबान को बांध दिया है। वो डर ऐसा है कि अगर मैं अंग्रेजी में बात करूंगा तो कोई मुझ पर हंसेगा, मेरा अंग्रेजी अगर इनकरेक्ट होगा, गलत हो जाएगा तो माय फ्रेंड्स एंड अदर पीपल विल मॉक एट मी, अगर मैं गलत प्रोनंसिएशन करता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, या फिर मुझे अंग्रेजी में सही तरीके से सेंटेंसेस बनाते आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बहुत सारी बातें लेकर हमने क्या कर दिया है, हमारी जबान को बांध दिया है। आज हम इस छोटे से 2 मिनट के गेम के जरिए घंटों अंग्रेजी में कैसे आसानी से बात कर सकते हैं, इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक प्रयोग ही है जो आपको खुद के ऊपर करना है अपनी क्षमताओं को जान लेने के लिए। सो द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स इज कि भाई आप आईने के सामने बैठे हो और घंटों आप खुद से बातें कर रहे हो। इन बातों में लेकिन आपको बिल्कुल भी लॉजिक नहीं ढूंढना है। आज हम सिर्फ टंग ट्विस्ट करने जा रहे हैं, हमारे टंग टाइट की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहे हैं। तो कैसे दूर करते हैं, चलो खेलते हैं इस इलॉजिकल गेम के जरिए। इसका नाम ही क्या है, द नेम ऑफ द गेम इटसेल्फ इज इलॉजिकल। देखिए दोस्तों, जनरली लैंग्वेज को लॉजिकल माना जाता है। यू नो, लैंग्वेज एक सीक्वेंस में हम बात करते हैं, बेस रिपेयर की बातें हम नहीं करते। लेकिन आज हम डेलिबरेटली जानबूझकर हम इलॉजिकल सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस इलॉजिकल सेंटेंसेस बनाने में भी एक लॉजिक है लेकिन, और हम ग्रामर की तरफ बहुत कम ध्यान देने वाले। ओके, ग्रामर हम सीखते सीखते सीखने वाले, ग्रामर ये जिंदगी भर सीखने वाली बात है। मैं अंग्रेजी का टीचर होने के बाद भी आज भी मैं ग्रामर की किताबें लेकर बैठता हूँ, नए ढंग से, नए तरीके से, नए इंटरप्रिटेशन के लिए मैं ग्रामर पढ़ता हूँ। वो कभी ना खत्म होने वाली बात है। तो लैंग्वेज इज लॉजिकल जनरली, लेकिन आज हम इलॉजिकल सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद ही इस गेम को खेल कर दिखाता हूँ तो आपकी समझ में आएगा कि इस गेम को कैसे खेला जाए। और आफ्टर मिस ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप आईने के सामने बैठिए, 2 मिनट पहले बैठिए, फिर 5 मिनट बैठिए, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, और ऐसे आपका टाइम, आप जितना ज़्यादा टाइम आप बढ़ाओगे उतना आपको आपकी क्षमताओं का पता चलेगा और बड़ी आसानी से आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। सो लेट अस मूव फॉर दिस इलॉजिकल गेम। मैं खुद ही कुछ सेंटेंसेस बनाता हूँ और आपको समझा कर बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम हमारी अंग्रेजी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस मूव फॉर दिस। व्हाट इज दैट, मैंने एक सेंटेंस बनाया है जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये एक सेंटेंस मैंने सिंपल वाला, कोई भी एक बिगिनिंग सेंटेंस हम जिसे कहेंगे, इसको मैंने बना दिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, अब ये जो चार वर्ड्स है इसमें, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें से मुझे कोई भी एक वर्ड ले लेना है और दूसरा सेंटेंस बनाना है, और डेलिबरेटली जानबूझकर मुझे दूसरा ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका इस सेंटेंस से कोई भी ताल्लुक ना हो। जैसे मैंने बना दिया कि आई want to eat apples. अब मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कर दिया, पहले सेंटेंस में का जो आई है इसको ही मैंने क्या कर दिया, शुरुआती पार्ट में ही ले लिया है।
अगेन आई टुक आई एंड मेड द अदर सेंटेंस। दोनों सेंटेंसेस की तरफ जब आप देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि दोनों सेंटेंसेस में बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ और मैं आम खाना और तो मैंने लिखा नहीं। खैर, दिस नो कंजंक्शन आई हैव यूज्ड। दो अलग अलग सेंटेंस है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स। तीसरा सेंटेंस बना देते हैं हम, यू नो, डोंट गो टू मुंबई, डोंट गो टू मुंबई। अब मैंने इसमें से क्या कर दिया है, ये सारे सेंटेंसेस में से मैंने यहाँ का टू ले लिया है, किसी तरीके से टू आना चाहिए तो मैंने टू ले लिया और ये टू यहाँ पर यूज कर दिया है। कौन सी जगह पर, बिगिनिंग में यूज करना है, मिडल में यूज करना है कि एंड में यूज करना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस बनाने में। लेकिन अब आप तीनों सेंटेंसेस देखेंगे तो तीनों सेंटेंसेस में आपको कोई भी लॉजिक, कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध नजर नहीं आएगा। चौथा सेंटेंस बनाने जा रहा हूं मैं, शी विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो, शी विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ का जो गो है तीसरे सेंटेंस में का, ये तीसरे सेंटेंस में का गो मैंने चौथे सेंटेंस में ले लिया। आप इसको टू भी बोल सकते हो, नो, लेकिन मैंने गो लिया है, मेरे दिमाग में गो था। यहाँ का टू जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और यहाँ का जो आ है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इस पहले सेंटेंस का आ मैंने दूसरे सेंटेंस में लिया है, दूसरे सेंटेंस का टू मैंने तीसरे सेंटेंस में लिया है, तीसरे सेंटेंस का गो मैंने चौथे सेंटेंस में लिया है। फिर एक सेंटेंस बना देते हैं, खैर, नो, आई विल मीट यू सून। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये जो विल है तीसरे सेंटेंस में का, नेक्स्ट सेंटेंस में का, वो विल मैंने यहां पर इस्तेमाल कर दिया। नॉट नेसेसरी, आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेते हो जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या फिर आई डोंट से अनइम्पॉर्टेंट लेकिन लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ऐसा कुछ भी लेते हो, वो जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि पहला सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उस पहले सेंटेंस में का कोई भी एक वर्ड आपको दूसरे सेंटेंस में लेना है और ये दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप पांचों सेंटेंस देखेंगे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। जैसे मैं पढ़कर बताता हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश वन, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स टू, डोंट गो टू मुंबई थर्ड, शी विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो एंड आई विल मीट यू सून। ओके, तो पांचों सेंटेंस जब मैंने बनाया, अब मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूँ। जैसे इस सेंटेंस में आगे बढ़ जाता हूँ, नो, कम सून दैट इज इनफ। नो, जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया कम सून, जल्दी आओ, कम सून, नो, इट्स वेरी सिंपल, कम सून। आगे हम बढ़ सकते हैं लेकिन खत्म करते हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, देखिए जैसे मैंने ये सेंटेंस बना लिए, आप भी इसी तरीके से सेंटेंस बनाओगे, ऐसा नहीं है ये मेरे अपने सेंटेंसेस है। आपको इस गेम को खेलते हुए अपने आप ही आपके सेंटेंसेस सूझेंगे और आप इन सेंटेंसेस के जरिए, इलॉजिकल सेंटेंसेस के जरिए, जो आपकी टंग टाइडनेस की प्रॉब्लम है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। और ज़रूर इस गेम को खेलें, पहले 2 मिनट से शुरुआत करें, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए और अपनी क्षमताओं को जानिए कि कैसे आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी में एटलीस्ट बात कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जो ऑलरेडी आपके अंदर है। ग्रामर की, लॉजिक की बात हम बाद में करेंगे, अब हम जो हमारी टंग टाइडनेस की प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा ले। इस गेम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसके बाद जो PPTs मैंने दी हैं, इस गेम को कैसे खेले इसके बारे में जो कुछ बातें बताइए, उसको देखिए और खेलने की कोशिश कीजिए।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले फॉर गेटिंग द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। सो विश ऑल द बेस्ट फॉर प्लेइंग द गेम। तो दोस्तों, हमने इस इलॉजिकल गेम में अभी अभी जो देखा देखा है वो एक्चुअली इलॉजिकल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ के तौर पर हमें देखना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या है? बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमारे अंदर है, बहुत सारी भावनाएं हमने दबा कर रखी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम भी हमने हमारे अंदर रखे हुए हैं जिनका जिक्र हम आमतौर पर नहीं करते, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब इलॉजिकल गेम्स खेलना हम शुरू करते हैं, एक के बाद दूसरा सेंटेंस बनाना हम शुरू करते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली हम उन सारी बातों का, भावनाओं का, लोगों का, चीज़ों का और जगह का जिक्र करते जा रहे हैं। अगर आप इस गेम को खेलते हुए रिकॉर्ड करते हो और सारे सेंटेंसेस एक बार लिख लेते हो तो आपकी समझ में आएगा कि आप किन बातों से, किन चीज़ों से, किन लोगों से ज़्यादातर जुड़े हो, आप उससे ताल्लुक रखते हैं। ये एक तरह का सपना है। सपना जैसे सपने की कोई एक खास कड़ी नहीं होती है। एक सपना चलता है, ब्रेक होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, ब्रेक होता है, तीसरा शुरू होता है, ब्रेक होता है, और जो आखिरी वाला सपना है वो थोड़ा थोड़ा हम याद कर सकते हैं, और बाद में उठने के बाद अगर वो अच्छा वाला है तो हम दूसरों को थोड़ा हमारा इमेजिनेशन का तड़का लगा कर जोड़ देते हैं। वो एक्चुअली बड़ा इलॉजिकल होता है, वो जोड़ा जा नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि सपना ये दुनिया में सबसे जल्दी भुलाई जाने वाली चीज़ है। अगर हम सबसे जल्दी क्या भूल जाते हैं तो वो सपना होता है। तो व्हाट इज अ ड्रीम, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहूंगा कि सपना बोले तो हमारी जो अभौत भावना है, अतृप्त इच्छाएं है, इनको जानने का एक राजमार्ग है। दिस ड्रीम इज द हाईवे टू नो योर अनकॉन्शियस माइंड एंड अनफुलफिल्ड फीलिंग्स एंड डिजायर्स। अब ये अनफुलफिल्ड फीलिंग्स और डिजायर्स क्यों होती है, ये अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो अनफुलफिल्ड फीलिंग्स एंड डिजायर्स का मानी ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम परिणामों का विचार करके जीते हैं। बहुत सारी बातें आप चाहते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ चले जाऊँ, मैं इससे बात करूँ, क्रिया और प्रतिक्रियाओं में हम रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाते, बहुत सारी हमारी जो डिजायर्स है उसको दबा देते हैं। इसकी वजह यह होती है क्योंकि हमारा जो ईगो होता है वो इस ईड को बताता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये सही नहीं होगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, या फिर आप इस करने के अभी योग्य नहीं हो, अगर आप ये करने जाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा हमारा ईगो हमें कॉन्स्टेंटली एक सुपरवाइजर की तरह बताते रहता है, एक पेरेंट की तरह बताते रहता है, और फिर हमारी जो ईड है उसको हम दबा देते हैं। ये बात छोटे बच्चे नहीं करते, जो अडल्ट हो जाते हैं वो लोगों को इस बात का एक अंदाज़ा आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और इसकी सबसे अहम वजह होती है हम परिणामों का विचार करते हैं। जैसे एक कैदी हमेशा भागने की कोशिश करता है, उसकी वो डिजायर होती है कि आई मस्ट बी रन अवे फ्रॉम आई मस्ट रन अवे फ्रॉम हियर एंड देयर, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे जेल से निकल जाना चाहिए। एक कैदी की हमेशा एक ऐसी मंशा होती है, लेकिन जो थानेदार होता है, जो पहरेदार होता है, जो जेलर होता है, वो उसको जाने नहीं देता। इसलिए जब रात को जेलर सो जाता है तो कैदी फिर भागना शुरू कर देता है। हमारा ईड जो होता है, आई डी ईड, ये भी एक कैदी की जैसे होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहता है, भागना चाहता है, एस्केप चाहता है, लेकिन ईगो नाम का थानेदार उसे हमेशा रोके रखता है। और सोने के बाद ईगो जैसे सो जाता है और ईड फिर अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ये लैंग्वेज एक टाइप का साइकोलॉजी है, लैंग्वेज एक टाइप का फिलॉसफी है। इसको जाने बगैर आप सही तरीके से भाषा कोई भी हो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे गेम्स और एक्टिविटीज़ के बाद हम डेलिबरेटली जानबूझकर हम इन बातों का, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज की बातें हम करते जाएंगे। इवन न्यूरोसाइंस की भी हम बात करेंगे, जो बहुत आगे आने वाली बात है, लेकिन
अभी तो खैर साइकोलॉजिकली हम देखते जाएंगे, फिलोसॉफिकली हम देखते जाएंगे और जान लेंगे कि हम कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस है, उसको कैसे बिल्डअप किया जा सकता है। ये सारी बातों का जिक्र हम रोज़ करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम रोज़ इसी तरीके से लैंग्वेज लर्निंग में आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्लेइंग द गेम। कीप इट अप।